ग्राम पंचायत बढ़ेड़ी राजपुताना में निर्माणाधीन हेड ओवर टैंक के लिए गांव में पाइपलाइन डाली जानी थी, लेकिन विभाग ने गांव में कार्य को बीच में ही बंद कर कॉलोनियों में पाइपलाइन डालनी शुरू कर दी, जिसको लेकर शुक्रवार को मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सांठगांठ का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया। इस खबर को न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका संज्ञान लेकर अधिकारियों ने कॉलोनियों में जाने वाली पाइपलाइन को हटवाकर कार्य शुरू किया है और ग्रामीण न्यूज वर्ल्ड इंडिया का धन्यवाद कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का हुआ असर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और जहां यहां पर कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया था, जिसको लेकर हंगामा किया गया था और उसके बाद ये पाइपलाइन यहां से उखाड़ दी गई है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पाइपलाइन यहाँ पर पड़ी है और इसको पूरी तरह से यहाँ से निकाल दिया गया है और काफ़ी लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह ये लाइन को इसको यहाँ से निकाला गया है और क्यों लाइन के खिलाफ जो प्रदर्शन पानी के खिलाफ किया गया था, जो ग्रामीणों का पानी है वो निजी कॉलोनियों में दिया जा रहा था उसके खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन भी किया था। आइए जानते हैं ग्रामीणों से कि किस तरह ग्रामीणों ने इस लाइन को फड़वा। जी क्या मामला था? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो आपने परसों न्यूज़ दिखाई थी उसका असर देखने को मिला और जो आला अधिकारी है उन्होंने ये मामला संज्ञान लिया और आज ये लाइन यहाँ से फाड़ दी गई। ये अवैध कॉलोनियों में पानी टंकी का दिया जा रहा था, जो कि बिल्कुल गलत था। गांव में अभी तक पानी के कनेक्शन पूरी तरह से नहीं हुए हैं और इन लोगों ने कॉलोनाइजर से पैसे या कुछ भी मतलब उनसे साठ गांठ करके उन्हें पानी देने का काम किया था। तो और भी लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी जाते जी। आपके चैनल ने परसों जो खबर चलाई थी उस पर अधिकारी ने संज्ञान लिया और यहाँ पर ठेकेदार और प्रशासन यहाँ मौके पर आए, ठेकेदार के आदमी उन्होंने फरवाया और हमारे गांव के मौजूद आदमी यहाँ मौजूद रहे, जैसे अजमत नेताजी हो गए, रविंद्र प्रधान जी हो गए पूर्व, और ग्रामवासी थे, सब जिम्मेदार आदमी थे, आकर यहाँ इस पैंट को फरवाया। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान रहे हैं। पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी पूरी चैनल की टीम ने हमारे लिए गाँव के लिए जो काम किया है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं पूरा गाँव। ये हमारा नहीं पूरे गांव का मामला था और आपके चैनल ने बहुत अच्छा काम किया है। ये हमारे गांव की जो लाइन ये निजी सीटियों में बिछाई जा रही थी पानी की, ये आपके चैनल के माध्यम से जो परसों धरना प्रदर्शन यहां पे हुआ उसे दिखाया गया और फिर आज ये अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया और ये सारा जो है पाइप उखड़वा दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, आगे भी ऐसे ही विरोध जारी रहेगा गलत कामों के लिए। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। जी आप सुने का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी बात रखी हमने रखी थी वो मान ली गई। मैं तो बस ये कहना चाहूँगा, ऐसा क्या प्रेशर था ठेकेदार पे जो ये खेतों में तक लाइन पिछवा दी, वहाँ पे मुंजी की पौध लगाई जा रही है उस वहाँ तक पानी पहुँचा दिया और लेकिन गाँव में जो छोटी छोटी गलियाँ हैं वो अब तक वहाँ पे कम्प्लीट का छोड़ो वहाँ पे तोड़ाई भी नहीं हुई है। अगर ये पानी सिटियों में चला जाता तो ग्रामवासियों को किस तरह की दिक्कत आती? फिर तो ये देख लो कि फिलहाल ना तकरीबन 10 दिन से डब्बा उठाए फिर रहे हैं गाँव वाले, कोई देखने वाला नहीं, नहीं वही काम होता है इनका, 2 घंटे आती और नहीं तो ये कॉलोनी वाले बड़े बड़े मोटर लगा लेते, पैसे वाले लोग हैं, आप ये गरीब लोग क्या करते? और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जाने। तो ये साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ और कहना चाहते हैं साहब, इनसे भी जाने क्या कहना चाहते हैं? जी मैं आपके चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को बता देना चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम गांव वालों के लिए दिन रात जो भी गलत होगा उसका हम विरोध करेंगे और चाहे कोई भी हो 5 साल पूरा गाँव का विकास करना है और करवाना है, जो प्रतिनिधि यहाँ है विकास करने वाले उनसे करवाना है और गाँव वाले कोई घबराए ना, जो भी काम हो हमें बताए, हम उसके लिए आधी रात भी तैयार। चलिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद किया है इन सभी ग्रामवासियों ने, न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने ये खबर जो है प्रमुखता से दिखाई थी उसको लेकर ये पाइपलाइन भी यहाँ से फाड़ी गई। अब देखने वाली बात होगी आगे से इस तरह का कोई कार्य किया जाता है या नहीं किया जाता है, जिस पर रोक लगाने के लिए ग्रामीण पूरी तरह से तैयार है। देखने वाली बात होगी कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो भी पूरी तरह से मैदान में उतरे हुए हैं, क्योंकि परसों जो खबर दिखाई गई थी उसमें साफ तौर पर जो वर्तमान प्रधानपति है उन पर साठगांठ के आरोप भी लगाए थे, जिसको देखते हुए प्रशासन ने संज्ञान लिया और लाइन को फड़वा दिया। सहजाद राजपूत, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, रुड़की।